हेलो फ्रेंड्स, मैं किशोर कुमार, मेगा सिविल सर्विस एकेडमी हजारीबाग में आपका स्वागत है। तो कल आपका टेस्ट हुआ था, उसमें कुछ मैथ्स का क्वेश्चन और कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन का मैं एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन तो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सारे क्वेश्चन उस लायक है नहीं। तो मुझे जो लगा कि आपको मे बी टफ लग सकता है, उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे छाट लिए हैं और उसका एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूँ। चल देखिए, जैसे क्वेश्चन आपका है, दो संख्याओं का एचसीएफ उनके एलसीएम का 20वां हिस्सा है। यदि एक संख्या 96 है और एलसीएम और एचसीएफ के बीच का अंतर 456 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। बोला जा रहा है कि दो संख्या आपका दिया हुआ, दो संख्याओं का एचसीएफ बोला जा रहा है। क्या एचसीएफ जो है वो एलसीएम का 1/20 हिस्सा दिया हुआ, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एलसीएम जो होगा वो बोला जा रहा है एचसीएफ का मतलब गुना 1/20 हिस्सा, यानी एलसीएम बटे एचसीएफ बराबर 1/20 होगा। आगे ये भी दे रखा है, एलसीएम और एचसीएफ के बीच का अंतर दिया हुआ, एलसीएम और एचसीएफ के बीच का अंतर दे रखा है 456 है, यानी एलसीएम माइनस एचसीएफ बराबर दे दिया हुआ 456। आगे ये भी बोला जा रहा है कि बताइए तो दूसरी संख्या क्या होगी। ऊपर में दिया हुआ है कि यदि एक संख्या 96 है, फर्स्ट नंबर आपके पास दे रखा है 96, तो आपसे सेकंड नंबर पूछा जा रहा है क्या होगा, यही निकालना है। हम लोग जैसा कि जानते हैं एचसीएफ और एलसीएम का क्वेश्चन है, तो हम लोग एचसीएफ एलसीएम में एक फार्मूला पढ़ते हैं। ये फार्मूला कैसे आता है ये भी हम लोग क्लास में बता दिए हैं, तो आपको ऐसे इतना पता होगा कि पहली संख्या फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर होता है एलसीएम गुने होता है एचसीएफ। तो यहाँ पे यदि हम लोग फर्स्ट नंबर का बात करें, यहाँ 96 रखो, सेकेंड नंबर की जगह एक्स एज्यूम कर लो, एलसीएम का हम लोग बात करें तो एलसीएम देखिए ये 400 जो आपके पास 56 दिख रहा है, वो 400 जो 56 दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, एलसीएम और एचसीएफ का डिफरेंस दिख रहा है। यहाँ पे देखिए तो एलसीएम और एचसीएफ का डिफरेंस यदि हम लोग बात करें तो डिफरेंस कितने का दिख रहा है, 19 का। 19 से डिवाइड करो, यहाँ एक का वैल्यू आपका निकल जाएगा, और एलसीएम निकालना किससे गुना करोगे, 20 से, क्योंकि 20 का वैल्यू निकालना है, तो आपका ये एलसीएम हो गया। फिर यहाँ पे गुना का साइन है, एचसीएफ निकालना, फिर से वही चीज़ करेंगे, 456/19 गुने अगर एचसीएफ निकालना से गुना करोगे आप एक से, तो यहाँ से यदि आप काट दोगे तो एक्स बराबर जो आपके पास आएगा वो आएगा 120। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को 125 घनों का प्रयोग करके बनाया गया है, जिसमें प्रत्येक की भुजा 1 सेंटीमीटर है। घन की प्रत्येक फलक, फलक मतलब होता है फेस, सतह, घन की प्रत्येक फलकों के बीच से एक घन हटा दिया जाता है तो शेष ठोस का
पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा वो निकालना है। बोला जा रहा है एक बड़ा सा घन बनाया जा रहा है, एक बड़ा सा घन बनाया जा रहा है, एक बड़ा सा घन बनाया जा रहा है, ठीक है। अब इसमें से बोला जा रहा है एक बड़ा घन बनाया जा रहा है, 5 सेंटीमीटर भुजा, इसका भुजा दे दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। अच्छा पहले यहां पे और देखो, इसका भुजा दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, इसका भुजा दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। बोला जा रहा है 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को 125 घनों का प्रयोग करके बनाया जा रहा है। यहाँ पे इस टाइप का जो है वो 125 घन का प्रयोग करके बनाया जा रहा है, 125 घन का प्रयोग करके ये बड़ा घन बनाया जा रहा है जिसका भुजा कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर है। और इस घन का भुजा, प्रत्येक घन की भुजा दिया हुआ कितना 1 सेंटीमीटर दिया हुआ। हम तो ये कह सकते हैं क्या, इस घन का जो आयतन होगा वो पूरे 125 घन के आयतन के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो इस घन की भुजाई से हमको आयतन निकालना, मतलब नहीं, इस घन की भुजा कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। जो ये जो बड़ा घन दो दिख रहा है वो बता रहा है क्या, इस तरह के जो है वो 125 घन के मिलाने से ये बना हुआ है। आगे बोला जा रहा है क्या, ये देखिए इसमें ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, घन की प्रत्येक फलकों के बीच से, घन की प्रत्येक फलकों के बीच से यानी कि प्रत्येक सतह से एक घन हटा दिया जाए, यानी एक घन हटा दिया जाता है तो शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है वो हम लोग को निकालना है। अब यहाँ पे यदि हम लोग बात करें कि एक घन, यदि अब सबसे पहले यहाँ पे देखो घन का टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया का हम लोग बात करें, अभी जो इसका टोटल सरफेस एरिया दिखेगा 6a का स्क्वायर यानी क्या होगा 6 × 5 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 125, 6 गुने हो जाएगा आपका 6 × 25 यानी हो जाएगा आपका 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन आपसे पूछा रहा है क्या, प्रत्येक सतह से एक सतह यहाँ पे समझ जाओ, यहाँ से एक घन यदि क्या करेंगे हम यहाँ से हटा दें, एक घन यदि हम यहाँ से हटाएंगे, एक घन यदि हम यहाँ से हटा देंगे, एक घन यदि हम क्या करेंगे यहाँ से हटाएंगे, एक घन यदि हम यहां से हटा देंगे और एक घन यदि हम यहां से हटा देंगे, 1 2 3 4 5 6 घन आपका हटेगा। तो बोला रहा है कि यदि हम प्रत्येक सतह से यदि एक घन हटा देंगे तो बोला रहा है बताइए शेष ठोस जो मेरे पास बचेगा, शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा वो निकालना। अब देखिए जैसा ये सोचिए, यदि आप से यहाँ से घन यदि हटाते हैं तो ए वाला आपका क्या होगा, ब्लैंक खाली हो जाएगा, तो आपके पास सतह बढ़ जाएगा, ठीक है। कितना सतह बढ़ जाएगा, यहाँ से घन, घन में टोटल कितना सतह होता है 6 सतह होता है, तो यदि यहाँ से घन को रिमूव कर रहे हैं तो एक सतह ऊपर क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, लेकिन आपका 5 सतह क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो 5 सतह इसका यहाँ बढ़ेगा, यहाँ भी इसका क्या होगा 5 सतह बढ़ेगा। जैसे कहने मतलब ऐसे समझिए कि मान लीजिए एक आपका ये ठोस फिगर है, ठीक है, ये ठोस फिगर है, अभी यदि हम लोग इसका बात करें यहाँ पे जो इसका जो पृष्ठीय जो क्षेत्रफल जो इसका होगा, ठीक है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी यदि हम बात करें ऐसे समझो कि 1 2 3 4 सतह आपको दिख रहा होगा, लेकिन यदि यहाँ से हम क्या करें, मान लेते हैं क्या कुछ
कुछ यहाँ से थोड़ा सा इसको यदि हम यहाँ से हटा दें, कुछ थोड़ा सा यहाँ से हम हटा दें, तो देखिए तो यदि हम यहाँ से यदि मान लो हटा देते हैं, इस तरह से यदि हम हटा देते हैं, ऐसे यदि हम हटा देते हैं, तो हम क्या देख पा रहे हैं कि ऊपर मेरा खाली हो गया, लेकिन यहाँ भी सतह बन रहा है, यहाँ भी सतह बन रहा है, यहाँ भी सतह बन रहा है। तो इसी तरह से यहाँ पे यदि हम घन हटा रहे हैं, तो एक सतह मेरा खाली होगा, लेकिन एक घन में जो है पांच सतह फिर क्या होगा, मेरा बढ़ जाएगा। एक भुजा में जो है वो यहाँ पे पांच सतह बढ़ जाएगा। तो पांच सतह जब मेरा बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे आपका कितना होगा, देखिए रिक्वायर जो होगा आपका एरिया जो होगा, रिक्वायर एरिया होगा वो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हम निकाल चुके हैं 150। 150 में पहले घटेगा, घटेगा कितना, एक दो तीन चार पाँच छः, छः पहले आप घटा दो, लेकिन इसमें जुटेगा, मेरा कितना सतह बढ़ रहा है, एक घन में टोटल छः फेस होता है, छः में से एक घट जाएगा, कितना बढ़ेगा पाँच, तो पाँच एक में बढ़ेगा और कितना घन हटाया गया है छः, तो छः पचे कितना हो जाएगा 30, यानी हो जाएगा 144 प्लस 30 बराबर हो जाएगा आपका 174 सेंटीमीटर क्या होगा, स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पे यदि हम लोग बात करें, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 का यदि हम बात करते हैं, 3 नंबर में आपका एक ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है। देखिए आपके पास दिया हुआ क्या, साइन एक्स दिया हुआ, साइन एक्स, साइन एक्स प्लस दिया हुआ साइन स्क्वायर एक्स बराबर वन। क्या आप साइन एक्स बराबर वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, तो होता है साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका, कॉस स्क्वायर एक्स। अब आपसे पूछा जा रहा है तो बताइए कॉस टू दी पावर 8x प्लस 2 कॉस टू दी पावर 6x प्लस कॉस पर पावर 4x का मान क्या होगा। क्या इसको आप कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर पावर 4 लिख सकते हैं प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स का पावर 3 लिख सकते हैं प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का पावर 2 लिख सकते हैं। क्यों, चूंकि मेरे पास क्या है, कॉस स्क्वायर का वैल्यू मालूम है, कॉस स्क्वायर के जगह आप क्या रखोगे, कॉस स्क्वायर के जगह साइन एक्स रख दो, साइन टू दी पावर क्या होगा 4x होगा, प्लस हो जाएगा 2 साइन टू दी पावर 3x होगा, प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। क्या हम यहाँ से यहाँ तक एक कह सकते हैं कि ये फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a की जगह क्या होगा आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर होगा। जैसे देखिए आप a का स्क्वायर करेंगे ये मिलेगा, b का स्क्वायर करेंगे ये मिलेगा, 2ab करेंगे तो ए मिलेगा। अब इसका वैल्यू आपको मालूम है ऊपर में 1, 1 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 1। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखिए परसेंटेज का क्वेश्चन है, ये आपका चुनाव वाला क्वेश्चन, चुनाव आने वाला है। बोला जा रहा दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 20% ने अपना मत नहीं दिया और 40 मत अवैध घोषित कर दिए गए, विजेता को पंजीकृत मतों का 42% प्राप्त हुआ और उसे 112 मतों से विजेता घोषित किया गया, पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी है। बोला जा रहा है एक चुनाव हो रहा है, इसमें दो कैंडिडेट हैं, तो इसमें कुछ जो वोट है वो रजिस्टर जितने भी वोट था रजिस्टर वोट में से 20% लोगों ने अपना मत नहीं दिया
और जितना वोटिंग हुआ उसमें से भी बोला जा रहा है 40 वोट जो है वो 40% नहीं, 40 वोट इनवैलिड कर दिया गया, मतलब उसको रद्द कर दिया गया। अब बोला जा रहा है कि इसमें जो दो कैंडिडेट है उसमें एक कैंडिडेट को टोटल का, टोटल मतलब रजिस्टर्ड मत का 42% मिलता है, तो दूसरे को जितना भी मिला यानी जो शेष बचा वो दूसरा को मिला होगा, दोनों में डिफरेंसेज दिया हुआ है कितने का, 112 का, मतलब एक हारा एक क्या हुआ जीता, तो हार और जीत मतलब क्या हुआ दोनों के बीच का डिफरेंस है 112। तो बोला रहा है क्या पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी है वो निकालना है। तो मान लेते हैं कि टोटल जो रजिस्टर्ड जो वोट होगा, रजिस्टर्ड वोट होगा वो मान लेते हैं कितना हो जाएगा एक्स था, यही हम लोग को क्या करना है निकालना है। इसमें से जो वोटिंग जो हुआ 20% वोटिंग नहीं हुआ, ठीक है 20% हटा दो, 20% नहीं हुआ, तो टोटल जितना था वो टोटल का मतलब गुना 80% वोटिंग हुआ, 80%। अब जितना भी वोटिंग हुआ तो उसमें से क्या टोटल, चलिए थोड़ा एक्स नहीं मानता, इसे एक्स में थोड़ा सा आपका क्या होगा लेंदी हो जाएगा। ऐसे करो कि आप ऐसे मान लो कि रजिस्टर्ड जो वोट है, रजिस्टर्ड जो वोट था आपका कितना 100%, ऐसे मान के चलिए। अब एक्स से भी बन जाएगा कोई दिक्कत नहीं, आप एक्स से भी बना लीजिएगा, देखिए इसी फॉर्मेट बनेगा, क्योंकि एक्स से हमको लगा थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा, इसलिए ऐसे बना दिए। इसमें से आप 20% को हटा दो, 20% वोटिंग नहीं हुआ, वोटिंग कितना परसेंट हुआ 80%, और जितना परसेंट वोटिंग हुआ इसमें से भी क्या हुआ इनवैलिड कितना हो गया 40, 40 मत आपका जो है वो इनवैलिड हो गया। तो आपके पास रेस्ट यदि हम लोग बात करें तो ये बच कितना रहा, ये वैलिड मत बच गया आपका 80% माइनस कितना हो जाएगा 40, ये मेरे पास बच रहा वैलिड, ठीक है इसको बोला जाता वैध मत। इसमें से दो कैंडिडेट को मिला, ठीक है एक मान ले फर्स्ट कैंडिडेट हुआ और एक क्या हुआ आपका सेकंड हुआ, तो बोला रहा है इसमें एक को जो है वो एक को टोटल का, टोटल कितना है 100%, तो ये टोटल का ये गेन पाता है, टोटल का कितना परसेंट 42%, यानी इसको जो 42% वोट मिला तो इसको कितना मिला होगा, ये टोटल में से इसको इतना घटा दो इसका मिल जाएगा, तो इसका जो वोट है वो कितना हो जाएगा 80% माइनस 40 में से माइनस कर दो कितना 42%। अब बचेगा कितना 80 में से 42 गया 38% माइनस कितना हो गया 40। अब बोला रहा है ये जीत रहा है किससे, इससे, कितना से जीत रहा है 112 से, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का दिया हुआ 112 का। तो यहां पे हम लिख देंगे क्या घटाइए, तो 42 में से आपका 38 जाएगा, क्योंकि इसमें इसको घटाएंगे तो यहाँ इक्वेशन क्या बन जाएगा आपका 42% माइनस 38% माइनस 38% और यहाँ पे प्लस हो जाएगा आपका क्या 40, बराबर हो जाएगा आपका 112। अब देखिए 42 में 38 जाएगा 4% और इधर जाके क्या होगा घट जाएगा, तो 112 में से 40 घटा दोगे 72 आएगा, इसीलिए 100% बराबर जो आपका आएगा 72/4 100 यानी आएगा 1800, यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो 1800 होगा, ऑप्शन सी आएगा। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका दिया हुआ है देखिए देखने में लंबा है लेकिन आपका बनेगा आपका छोटा, ये भी एचसीएफ एलसीएम का एक क्वेश्चन है। बोला रहा है एक वृत्ताकार ट्रैक पर हो रही 1200 मीटर की दौड़ में ए और बी एक ही स्थान से एक ही समय पर एक ही दिशा में क्रमशः 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं, दौड़ शुरू होने के कितने समय बाद ट्रैक पर पहली बार मिलेंगे। एक आपका जो है सर्कुलर ट्रैक है, क्वेश्चन ये बोला जा रहा है एक पॉइंट यहाँ से दोनों जो है वो दो चल रहा है, यानी कि ये 12 सबसे पहले बोला जा रहा है क्या यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो दिया हुआ है
वो यहां से यहां तक का जो आपका दिया हुआ है दूरी दे दिया हुआ है, ये दिया हुआ आपका कितना 1200 मीटर बराबर 1.2 किलोमीटर होगा। बोला रहा दो, ऐसे समझो कि दो धावक दौड़ रहा एक ही दिशा में, ये मान लो इधर से चल रहा है, जिसका स्पीड दे दिया हुआ कितना, जिसका स्पीड दे दिया हुआ 18 किलोमीटर पर आवर, इसका स्पीड दे दिया हुआ 18 किलोमीटर पर आवर, और यहीं से इसी दिशा में एक धावक और चलेगा जिसका स्पीड दे दिया बी है, इसका नाम ए ए है और ये बी है, जिसका स्पीड बता रहा क्या, जिसका स्पीड बता रहा 27 किलोमीटर पर आवर है। तो ये एक ही दिशा में दोनों घूम रहा है, तो एक ऐसा समय आएगा जो दोनों फिर एक ही जगह पे क्या होगा मिलेगा, वो समय आपसे पूछा रहा है। जैसे हम बात करें घड़ी का, तो घड़ी ऐसा कीजिए, यदि आप 12 बजे यदि आप घड़ी को बंद कीजिएगा तो तीनों काटा यदि आपके पास, ऐसे समझिए कि 12 पे होगा, और जब घड़ी को हम चालू करेंगे तो तीनों का स्पीड क्या है अलग अलग है, सेकेंड का काटे का स्पीड अलग है, मिनट हैंड का आपका अलग है, और आवर हैंड का क्या अलग है। जब तीनों चलना शुरू करेगा तो ऐसा समय आएगा घूमते 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 जो तीनों फिर एक जगह पे मिलेगा, तो वही समय आपसे पूछा जा रहा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन में क्या होता है एलसीएम निकाला जाता है, तो यहाँ पे आपसे समय पूछा जा रहा है, तो समय का एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले देखेंगे एक को यहाँ से यहाँ तक एक चक्कर लगाने का समय, एक का समय जो आपका होगा समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, एक चक्कर लगाने में कितना दूरी तय किया 1.2 बटे चाल, चाल कितना आपका ए का 18, और बी का समय यदि इतना आवर निकलेगा ठीक है, और बी का यदि हम लोग समय निकालेंगे बी का समय बराबर फिर से 1.2 बटे कितना हो जाएगा 27 आवर होगा। अब हम लोग को क्या करना है समय निकालना है, तो ये दोनों समय का क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। देखो इसका एलसीएम, एलसीएम तो एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, एलसीएम यदि निकालेंगे तो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस यानी भिन्नों का एलसीएम बराबर अंशों का एलसीएम, ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे हरों का क्या होता है एससीएफ होता है, तो ऊपर वाले का एलसीएम देखो 1. कितना आएगा 2 आएगा, और नीचे वाले का एससीएफ 18 और 27 का एससीएफ कितना आएगा 9, एक घंटे में आ गया। इसको हमको चेंज करना है सेकेंड में, चूंकि सारे ऑप्शन क्या दिया हुआ है सेकेंड में, तो यहाँ पे इसको पहले मिनट में चेंज करने के लिए 60 और सेकेंड में चेंज करने के लिए 60, इतना सेकेंड आएगा आप काट लीजिए, ये आपका क्या आएगा आंसर, आंसर आपको मिल जाएगा 480 सेकंड। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए ज्योमेट्री का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बोला रहा एडी एक वृत्त की स्पर्श रेखा, आपको स्पर्श रेखा तो समझ में आता होगा, इसको टेंजेंट बोला जाता है, एक वृत्त ऐसे समझिए क्या एक स्पर्श रेखा, यानी स्पर्श रेखाएं वैसी रेखाएं होती है जो वृत्त के किसी एक बिंदु पर स्पर्श करती है और इसकी संख्या अनगिनत होती है, वही बोला रहा एडी एक स्पर्श रेखा, एडी एक टेंजेंट है स्पर्श रेखा है, और एबीसी एक छेदक रेखा सीकेंट होता है, एबीसी एक छेदक रेखा है, एबीसी एक छेदक रेखा, छेदक रेखाएं वैसी रेखाएं होती है जो वृत्त को दो जगह पे प्रतिच्छेद करती है ठीक है। तो यहां पे हम बात करें ए बी सी आपका क्या हुआ एक छेदक रेखा, अब बोला जा रहा है कि इसमें से कुछ कुछ का वैल्यू दिया हुआ और आपसे कुछ पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए फिगर बना रहा है आपका, ए आपका सर्कल है, यहाँ पे बोला जा रहा है एक सेकंड खींच दो, ए बी सी और ए डी बोला जा रहा है एक टेंजेंट है, ए डी एक स्पर्श रेखा, ए डी एक स्पर्श रेखा, इसमें से क्या क्या दे दिया हुआ, इसमें से देखिए आपका दिया हुआ है कि ए बी बराबर 8 दिया हुआ, ए बी बराबर दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, बी सी बराबर दे दिया हुआ, बी सी बराबर दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, और फिर आपसे पूछा रहा ए डी की लंबाई क्या वो निकालना है,
यहां से यहां तक की लंबाई कितना, 10 और 8 कितना होगा, 18 सेंटीमीटर। हम लोग एक प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कि जब वृत्त की एक छेदक रेखा और एक स्पर्श रेखा वृत्त के बाहर किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं करती है, तो ए आपका कंडीशन होता है ए डी का स्क्वायर बराबर ए बी गुने ए सी का स्क्वायर होगा, गुने ए सी होगा, ठीक है। ए डी का स्क्वायर बराबर ए बी गुने ए सी होगा। तो यहाँ पे ए डी के बारे में यदि हम लोग बात करें, ए डी मेरा कितना हो जाएगा, ए डी तो निकालना ही है, ए डी बराबर कितना हो जाएगा, रूट के अंदर देखो स्क्वायर हटा रहे हैं, स्क्वायर रूट होगा। ए बी का बात करें, ए बी मेरे पास कितना है, देखिए 8 है, और ए सी कितना हो गया, 18, 18 गुने 8 होता है 144, यानी बाहर निकलेगा तो आएगा 12 सेंटीमीटर, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा 12D होगा। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 7 नंबर, देखिए बोला रहा है ए एक कार्य को 30 दिनों में, बी 50 दिनों में। ए 30 दिनों में, बी जो है आपका कर सकता है 50 दिनों में, सी 40 दिनों में कर सकता है। यदि ए को एक दिन बी द्वारा और अगले दिन सी द्वारा बारी बारी से सहायता प्रदान की जाती है तो कार्य डैश समय में पूरा होगा। यहाँ बोला जा रहा है क्या ए एक कार्य को जो है वो कर सकता है कितना दिन में, ए 30 दिन में। बी के बारे में बोला रहा, बी उसी काम को इंडिविजुअल अकेला कर सकता है 50 दिन में, और सी कर सकता है कितने, 40 दिन में। इस सब का एलसीएम यदि हम लोग लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा आपका 600 आएगा, का एलसीएम आएगा 600। ये 600 जो एलसीएम आ गया, ये टोटल वर्क होता है, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, टोटल वर्क, टोटल वर्क हो गया। अब बोला जा रहा है क्या, यहाँ पे हम सबका पहले इफिशियंसी निकालेंगे। ए 30 दिन में 600 काम करेगा तो एक दिन में कितना करेगा, 20। बी एक दिन में कितना कर लेगा, बी एक दिन में कर देगा 12, और सी जो है वो एक दिन में कितना करेगा, 15। यानी कि सारा इफिशियंसी सबका निकल गया, ए का एक दिन में कितना कर सकता है, 20 काम, बी एक दिन में कितना कर सकता है, 12, और सी कितना कर सकता है, 15। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है, देखिए मेन ए लाइन आपको ध्यान में देना है, क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ए द्वारा यदि ए को, यदि ए को एक दिन बी द्वारा और अगले दिन सी द्वारा बारी बारी से सहायता प्रदान की जाती है, मतलब ये हुआ कि आपका ए कंटिन्यू काम कर रहा है, ए जो आपका है वो कंटिन्यू काम कर रहा है, और एक बार जो ए का जो सहायता कर रहा है वो ए का सहायता कौन कर रहा है, एक दिन बी कर रहा है, और एक दिन कौन करेगा, ए का सहायता सी करेगा, फिर ए प्लस बी, फिर ए प्लस सी, नहीं लेंगे, रिपीट होने लगता है तो हम लोग नहीं लेंगे। यहाँ पे हर 2 दिन में काम क्या हो रहा है, आपका रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे ए और बी ने एक दिन में कितना काम किया होगा, दोनों का एफिशिएंसी जोड़ दो, 20 प्लस 12 यानी कितना हो जाएगा, 20 प्लस 12 यानी क्या आएगा, 32 आएगा। ए और सी एक दिन में कितना, अगले दिन में कितना काम किया होगा, 20 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 35। हम क्या देख रहे हैं, मेरा प्रत्येक 2 दिन में कितना काम हो रहा है, प्रत्येक 2 दिन में काम हो रहा है आपका 67। अब क्या करेंगे, टाइम हमको कितना लगेगा वो निकालने के लिए, मेरा टाइम कितना कंज्यूम होगा इस टोटल वर्क को करने के लिए, तो ये 67 का टेबल हम लोग पढ़ेंगे इस 600 को ध्यान में रखते हुए। तो यदि हम 67 का टेबल 8 बार पढ़ते हैं, तो देखो 67 का टेबल यदि हम 8 बार पढ़ेंगे तो 67 × 8 कितना हो जाता, 8 × 7 = 56 का 6, बैलेंस कितना हो गया, 5, 8 × 6 = 48 और 5 कितना हुआ, 53, 536। यानी कि ए 8 और 8 × 2 2 क्यों कर रहे हैं,
क्योंकि ये 67 काम जो है नहीं, ऐसे समझिए कि हर यहाँ पे जो है वो कितने राउंड काम चल रहा है। एक दिन कौन कौन किया, ए और बी, दूसरा दिन कौन कर रहा है, ए और सी, फिर करेगा कौन, ए बी, और फिर कौन करेगा सी। ये जो राउंड चल रहा है वो 2 दिन का, या तो इतना भी छोड़िए। अब देखिए काम कितना दिन में रिपीट हो रहा है, 2 दिन में, ठीक है। तो ये 67 काम प्रत्येक 2 दिन का है, ठीक है। तो इन्होंने कितना दिन, कितना, देखिए 67 का टेबल पढ़े तो कितना बार हम लोग गया, 8 बार। तो 8 बार, 8 गुने तो कितना, 16, यानी कि ऐसे समझ जाओ कि ये जितना दिन में रिपीट होगा उससे आपको क्या करना है, गुना कर देना, ठीक है। तो ये 8 गुने तो 16 दिन अभी तक हो चुका है मेरा, 16 दिन हो चुका है। 16 दिन में काम कितना हो गया मेरे पास, 536। अभी भी मेरे पास रेस्ट काम तो बचा हुआ ना, कितना, देखिए 10 में से 6 जाएगा, कितना बच जाएगा, 4, और यहाँ 9 में से 3 जाएगा, कितना, 6। 64 काम अभी भी मेरे पास रेस्ट है। देखिए काम समाप्त हो रहा है किस पर, ए और सी पर। अब शुरुआत किससे होगा, शुरुआत ए प्लस बी से। ए प्लस बी का कैपेसिटी मेरे पास कितना है, 12, ये 32 है, और मेरे पास काम कितना बचा हुआ, 64। तो क्या होगा कि ए प्लस बी कंप्लीट एक दिन काम करेगा, एक दिन करेगा, और एक दिन में वो कितना कर पाएगा, 32 ही काम कर पाएगा। अभी भी मेरे पास रेस्ट कितना हुआ, 32, समय और लगेगा, प्लस देंगे। अबर किसका बारी है, ए और सी का। ए और सी देखिए एक दिन में 35 कर सकता है, और काम कितना बचा हुआ, 32। तो इसका टाइमिंग कितना लगेगा, 32 बटे कितना हो जाएगा, 35, यानी टोटल टाइम का बात करें 16 और 1 17, 17 सही, 32 बटे कितना आएगा, 35। ये आपका होगा एक्चुअल आंसर, यानी कि आपका डी होगा। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम लोग बात करें, 8 नंबर क्वेश्चन, देखिए मैथ का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, इन आधा ऊपर है और आधा नीचे है। अच्छा देखते हैं आधा में क्या लिखा हुआ है। यहां पे लिखा हुआ था आपका, ए दो वस्तु ए और बी की कुल लागत मूल्य 2540 है, वस्तु ए को 15% लाभ पर। यहां पे दिया हुआ आपका ए और बी का दिया हुआ 2540 था जी, ए और बी का 2540 था। क्वेश्चन है का क्या था, ए प्लस बी, ए और बी की कुल लागत 2540 है, ए को 15% दिया हुआ ना। देखिए ये प्रॉफिट एंड लॉस का है, देखिए नंबरिंग तो पता नहीं है, आधा उस पेज में आधा इस पेज में, लेकिन ये लिखा हुआ है कि ए और बी का कुल लागत, तो हम यहाँ पे देंगे ए प्लस बी का टोटल कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है, 2540 दिया हुआ है, ठीक है। दो वस्तु आपका दिया हुआ है, दो वस्तु इसे समझिए, एक आपका वस्तु ए और एक वस्तु आपका दिया हुआ बी दिया हुआ, ठीक है। इसका टोटल कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, दोनों का टोटल कॉस्ट प्राइस दिया हुआ आपका, टोटल सीपी बराबर दे रखा है 2500 कितना, 40। बोला रहा ए को बेच रहा है 15% क्या प्रॉफिट पर, 15% लाभ हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है इसको प्रॉफिट हो रहा है, 15% के प्रॉफिट पर बेच रहा है, इसे समझिए। यहाँ पे कितना, बी को 25% हानि पर, यहाँ पे इसको लॉस हो रहा है, 25% का लॉस हो रहा है। बोला रहा है ए का जो विक्रय मूल्य है बी के विक्रय मूल्य से 109 रुपये अधिक है, मतलब ए का सेलिंग प्राइस और बी का सेलिंग प्राइस में डिफरेंस दिया हुआ है, कितने का, 109 का दिया हुआ। तो आपसे पूछा रहा है कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है क्योंकि तो क्वेश्चन, लेकिन आपका बढ़िया है। आप देखिए ऐसे समझिए, ए का सीपी ए रुपया ही मान लीजिए, बी का सीपी बी रुपया ही मान लीजिए, तो आपका एक इक्वेशन बनेगा ए प्लस बी बराबर 2540 बनेगा, ठीक है, ए प्लस बी बराबर 2540। अब यदि हम लोग यहां पे बात करें तो ए को बोला जा रहा 15% के लाभ पर बेचा जा रहा है, तो ए गुने 115/100 लिखेंगे, और यहाँ पे बी गुने 75/100 लिखेंगे। ए बोला जा रहा दोनों में डिफरेंस दिया हुआ कितने का, 109 का, 109 लिख देंगे।
यहाँ पे यदि आप काटोगे तो काट सकते हो, इससे काट दोगे, आप देखो ये 5 का टेबल से काटोगे 23 बार में ये आएगा आपका, 20 बार में ये कटेगा आपका, 5 का टेबल से 15 बार में कटेगा, 20 बार में। दूसरा इक्वेशन आपका जो देखो डिनोमिनेटर दोनों का क्या है, सेम है, यहाँ पे आएगा आपका 23 a आएगा और माइनस आएगा 15 b बराबर 109 × 2 होता है 218 होता है, यानी 2180 आएगा। अब देखो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा किसी एक को, यहाँ पर ऐसा करते हैं क्या, ये इक्वेशन जो आपका 1 है, इक्वेशन 1 हो गया, इसको हम लोग गुना कर देते हैं किससे, 15 से। जब 15 से गुना करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या होगा कि बी बी कट जाएगा, यहाँ से हम लोग ए निकाल लेंगे। तो यदि हम लोग 15 से गुना करेंगे देखो क्या मिलेगा हम लोग को, हम लोग को मिलेगा 15 ए प्लस मिलेगा 15 बी बराबर हो जाएगा, देखिए 15 × 0 जीरो हो जाएगा, 15 × 4 60 का जीरो, बैलेंस 6, 15 × 5 75 और 6 हो जाएगा आपका 81 का एक, बैलेंस हो जाएगा आपका 8, 15 × 2 30 और 8 कितना 38, 38,100। और इधर आपके पास दिया हुआ दूसरा इक्वेशन आपके पास था 23 a माइनस 15 b बराबर 2180 दिया हुआ, इक्कीस सौ अस्सी। अब यदि इसको हम लोग क्या करें जोड़ दें, तो जोड़ देंगे तो ए वाला आपका कट जाएगा, ए आपका कट जाएगा, जब इस कट जाएगा तो आपके पास कितना होगा 15 + 23, 15 + 23 हो जाएगा आपका 38, 38 a बराबर हो जाएगा, ए भी आपका देखिए क्या होगा जुट जाएगा, जीरो हो जाएगा, 8 हो जाएगा, एक और एक 2 हो जाएगा, 8 × 10 का जीरो, बैलेंस 1, 3 और एक कितना होगा 4। यदि हम लोग इसको 19 बार में काट दें तो 19 × 2 कितना हो जाएगा 38, 2 बच जाएगा, 19 × 1 19, 3 बच जाएगा 19 × 2 38, ये हो जाएगा आपका 19 से काटेगा 2 बार में 2a, तो a का जो वैल्यू आएगा, a का वैल्यू आ जाएगा आपका 2 × 1 2 0 हो जाएगा और फिर हो जाएगा 2 × 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा और 0 1060। ए जब 1060 निकल गया, यहाँ देखिए ए बराबर आपका आ गया 1060 आ गया, ठीक है, और बी बराबर जो आपका आ जाएगा, बी बराबर क्या आ गया 2560, 2540 में से घटा दीजिए, 2540 में से आप घटा दीजिए 1060, तो आपका 0 हो जाएगा, 14 में से 6 जाएगा हो जाएगा 8, अब यहाँ पे बच जाएगा आपका 4 और यहाँ पे एक 1480। अब आपसे ये पूछ दिया जा रहा है क्या कि कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ या कितने परसेंट का लॉस हुआ, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट प्राइस तो आपको मालूम है, टोटल सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा। तो यदि हम लोग टोटल सेलिंग प्राइस का बात करें, टोटल SP जो मेरा होगा वो टोटल SP कितना हो जाएगा, वो देखो टोटल SP जो मेरा होगा वो टोटल SP कितना हो जाएगा, एक का सेलिंग प्राइस, एक का कॉस्ट प्राइस 1060 गुने करेंगे हम लोग, कितना प्रॉफिट हो रहा है 15, 115/100 और प्लस बी का जो है वो कॉस्ट प्राइस कितना निकल गया 1060 निकल गया, 1060 नहीं ये 1480 है, 1480, 1480 हो जाएगा और गुने करेंगे हम लोग 75/100, यहाँ से काट दोगे 25 का टेबल से 3 बार में कटेगा 4 बार में, 4 का टेबल से काटोगे 4 × 3 = 12, 2 × 4 = 7 28 जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे काटोगे तुम्हारा 5 का टेबल से काटोगे 23 बार में कटेगा, 5 का टेबल से 20 बार में कटेगा, 0 से 0 भी कट जाएगा, 2 से काट दो 2 से कटेगा 53 बार में। अब यदि इसको हम लोग गुना करेंगे 23 × 3 = 69 का 9 हो जाएगा, बैलेंस बच जाएगा आपका 6 और 23 × 5 115 और 6 121 आएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका 37 × 3 111 यानी कि आ जाएगा आपका 1110 बराबर। यदि हम लोग बात करें तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 9 हो जाएगा
और ये होगा 1 और 1 2 हो जाएगा, और 12 11 23 हम लोग देख रहे हैं टोटल मेरा सेलिंग प्राइस आया वो 2329 आया, और टोटल क्रॉस कॉस्ट प्राइस कितना है 2540 है। तो शुद्ध रूप से क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। प्रतिशत लॉस आप निकालने के लिए क्या करोगे, 2540 माइनस कितना करेंगे आप 2329, और बटे हो जाएगा 2540 गुने क्या करेंगे 100। देखिए थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, कोई विकल्प भी आपका नहीं है, तो आपको ये करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से जब आप क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 8.3% का लॉस होगा। ठीक है, चलिए अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट रीजनिंग का क्वेश्चन आपके पास है। ठीक है, रीजनिंग में देखिए आपके पास एक सीरीज है, मैथ्स आपका इतना ही था जो हमको लगा कि थोड़ा टफ है तो उसको हम करवा दिए, बाकी क्वेश्चन वैसा कुछ था नहीं। और यदि आप लोग को ऐसा लगे कि ये भी क्वेश्चन टफ है ये करवाना चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बताइए, क्वेश्चन नंबर बता दिएगा हम करवा देंगे, है ना। चलिए देखिए यहाँ पे दिया हुआ आपका रीजनिंग में आपके पास एक सीरीज था, सीरीज आपका दिया हुआ है, लिखा हुआ 13 लिखा हुआ, फिर 13 लिखा हुआ, फिर 15 लिखा हुआ, यहीं पे कर देता है ना। यहाँ पे देखिए आपका यहाँ क्या होगा, यहाँ पे यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे मेरे पास कितना बढ़ रहा है 0, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है कितना 2, यहाँ पे बढ़ रहा है कितना 12, यहाँ पे मेरा बढ़ रहा है 20, और यहां पे मेरा बढ़ रहा है कितना 30, नहीं 20 बढ़ रहा है, और यहां पे बढ़ रहा है मेरा 30, यहां पे बढ़ रहा है कितना 13 में 7 जाएगा 6, और 14 में 9 जाएगा 5, 56 बढ़ रहा है। तो यहां पे मेरा कितना बढ़ेगा वो पहले निकालना है। देखिए यहां पे यदि हम बात करें ये हमको दिख रहा है क्या, 0 का 1 का स्क्वायर दिख रहा है, 1 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, ये इसका हो गया, 1 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2 इसका हो गया। ये बात करें हम लोग तो यहाँ पे नहीं, 1 का स्क्वायर हो गया, ऐसे बढ़ेगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर माइनस 2, 2 आ गया इसमें, ले लिया अब 1 के बाद 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 आएगा, 3 का स्क्वायर और 12 चाहिए प्लस 3 यानी हो जाएगा 12, इसका हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 4। ये आपको दिख रहा, ये दिख रहेगा पर देखिए माइनस प्लस, अगर माइनस होगा 5 का स्क्वायर माइनस 5, इस तरह से ये होगा 6 का स्क्वायर माइनस 6, अगर देखिए 1 2 3 4 5 6, अगर 7 होगा, अबर 7 होगा लेकिन ये माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, अबर क्या होगा प्लस। जैसे यहाँ पे देखो 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस 7 बराबर क्या हो गया 56, तो फिक्स है कि यहाँ जो होगा वो आपका क्या होगा 8 का स्क्वायर प्लस क्या होगा 8, 64 और 8 कितना हो जाएगा 72, तो यहाँ पे कितना आएगा 72। अब ये 9 और 2 11 का 1 बैलेंस 1 हो जाएगा 8, 3 और 2 5 हो जाएगा यहाँ पे, और 15 7 22 225, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा 225 होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका जो है, लो यहाँ भी क्वेश्चन आधा है, कैसे सेट कर दिया ऐसा क्वेश्चन, क्विज टेबल का क्वेश्चन था, क्वेश्चन है क्या, देखा देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका नहीं दिख रहा है पेज गड़बड़ है, क्वेश्चन आपका क्विज टेबल का था, जैसे यहाँ पे आपका 3 है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे आपके पास 7 है, 121 है, 8 है, यहाँ पे 6 है, 9 है, 5 है,
ऑप्शन आपका पास, ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है 12, 114, तीसरा 9, चौथा 8। देखिए यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे जैसा हमको दिख रहा है ए 7 × 8 बराबर 56 हुआ, और 56 में भी क्या डिजिट सम किया, 6 5 11, 11 का स्क्वायर बराबर 121 हो गया। यहाँ पे हम देख रहे हैं इसमें क्या देख रहे हैं, 6 × 5, 6 × 5 बराबर 30 हो रहा, 30 का डिजिट सम हो जाएगा, 3 + 0 क्या होगा, 3 का स्क्वायर कितना दिख रहा है आपका, बीच में 9 दिख रहा है। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या होना चाहिए, 3 × क्या होना चाहिए, 4, यानी कितना हो जाएगा 12, 12 का डिजिट सम क्या होगा, 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 9 आएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आपके पास है रीजनिंग में। देखिए लो सारा गड़बड़ा दिया, अब इसमें टेबल बनाए कहाँ। क्वेश्चन भी मेरे पास नहीं है, ऐसे टेबल आपका था आसान, ठीक है, आप लोगों को भले कन्फ्यूजन लग रहा होगा लेकिन वैसा कुछ नहीं है, मेरे पास तो खाली आधा टेबल बना हुआ, अब आधा आगे होगा लेकिन हम कैसे बताएं आपको। देखिए यहाँ पे दिया हुआ, सबसे पहले इसे देखिए समझ लीजिए, समझ में आ जाएगा। नीचे दी गई सारणी के प्रथम 2 अंक गैस एजेंसी की संख्या जो देख रहा है, जैसे यहाँ पे 2 दिया हुआ, 9 दिया हुआ, 3 दिया हुआ, 1 दिया हुआ, 5 दिया हुआ, 0 दिया, इसमें जो प्रथम का जो 2 डिजिट आपको दिख रहा है ये क्या बता रहा है कि गैस एजेंसी की संख्या, ये आपका बता रहा है गैस एजेंसी संख्या दिया हुआ, और ये जो लास्ट का जो 4 डिजिट है ये आपका कंज्यूमर नंबर दिया हुआ है, और आगे दिया हुआ है क्या संख्या, और अंतिम 4 अंक उपभोक्ता संख्या को सूचित करता है, ये जो आपका उपभोक्ता संख्या हो गया। अब क्वेश्चन यहां से ये आपसे पूछा जा रहा है, लो इसको हटाएंगे, हट जाएगा। तो देखिए ये आपको समझ में आ गया, जैसे ये आपका दिया हुआ है कि 2 9 3 1 5 0 में से बोला जा रहा है कि प्रथम का 2 डिजिट वो गैस एजेंसी संख्या बता रहा है, गैस एजेंसी संख्या, और लास्ट का जो 4 डिजिट है वो कंज्यूमर नंबर बता रहा है कि उपभोक्ता संख्या बता रहा है। अब इससे क्वेश्चन आपका शायद पहला क्वेश्चन ये था कि किसमें जो है कंज्यूमर नंबर की संख्या क्या है, कम है, तो यदि हम लोग इसी में बात करते, देखिए इसी में समझिए। अब यहाँ पे हम एक लाइन क्वेश्चन तो मेरे पास नीचे हम लिख नहीं सकते हैं, यहाँ पे देखिए ऐसे समझ लीजिए, इतने में ही समझाते हैं, 2 9 3 1 5 0, 3 5 लिख दे रहे हैं, 4 3 3 दिया हुआ, 5 दिया हुआ, 4 दिया हुआ, 3 दिया हुआ, 2 दिया हुआ, 3 दिया हुआ, मैंने क्वेश्चन यहाँ बड़ा करते हैं, इसी को लिख देते हैं ना। देखिए इसी को देखिए, इसी में हम समझाते हैं, मान के चलिए यही आपके पास टेबल है, ठीक है, तो इतने ही टेबल मान के चलिए फिलहाल, इसी में हम लोग क्वेश्चन देख लेंगे और थोड़ा बड़ा कर देते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, मान के चलिए कि आपके पास देखिए ए 2 आपका कंज्यूमर नंबर है, ए 2 गैस एजेंसी की संख्या है, और ये 4 कंज्यूमर, मान लेते हैं इसमें यदि पूछा जाएगा कौन सा एजेंसी में कंज्यूमर नंबरों की संख्या क्या कम, यानी उपभोक्ता की संख्या कम है, तो ए 2 छोड़ के आप देखिए, ए 2 छोड़ के देखिए आप, सब 2 तो आपका गैस एजेंसी की संख्या है, तो यहीं पे यदि आप देखेंगे कंज्यूमर नंबर, देखिए यहाँ 3150 है, 2732 है, 2595 है, 3000 हो गया, और यहाँ पे 8000 हो गया, यहाँ पे 2732 हो गया, और यहाँ पे आपका दिया हुआ 2959 हो गया,
यहाँ 4,000। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मेरे पास दो जो आपका क्या सेम है, एक यहाँ पे देखो, एक आपका एजेंसी नंबर आपका कितना 35, एक एजेंसी नंबर 35 में आपका बता रहा है क्या 27-32 है, और एक यहाँ पे जो है वो 29 में बता रहा है। 29 में कितना बता रहा है आपका 27-32 बता रहा है, 29 में भी बता रहा है कितना 27-32। तो इस तरह से हम कह सकते हैं क्या कि इसमें कंज्यूमर नंबर की जो है वो सबसे उपभोक्ता संख्या कम किस में है 35, और किस में दिख रहा है 29, मतलब हम 35 समझ जाओ, अभी एक ही समझ जाओ कि 35 में है, ठीक है। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन था। दूसरा में था ये शायद कि किसमें कंज्यूमर नंबर की संख्या क्या है समान है, तो यहीं पे देख लीजिए आप, उसमें ऑप्शन में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से मान के चलो एक ऑप्शन यदि आपके पास 35 होगा, और क्या होगा एक ऑप्शन क्या 27-29 होगा। तो देखो 35 में भी देखो 35 आपको एक जगह नहीं मिलेगा, दो तीन जगह भी मिल जाएगा, तो उसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है कि 35 में यहाँ कुछ है वहाँ कुछ है, ठीक है। तो आपको ये देख लेना है कि 35 जहाँ जहाँ वहाँ वहाँ आपको देख लेना पड़ेगा, और ये आपका क्या है 29 जहाँ जहाँ वहाँ वहाँ देख लेना पड़ेगा, ठीक है। देखना है कि यदि मैच करेगा तो आपका सही होगा, नहीं मैच करेगा तो नहीं सही होगा। तो यहाँ पे देखो 35 में जितना है उतना ही क्या है 29 में, तो आंसर क्या होगा आपका 35 और 29। तो चलिए ये जितना क्वेश्चन हमको लगा कि ये टफ है उतना आपको बता दिए। यदि आपको ऐसा लगे कि और क्वेश्चन होना चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। तो फिर हम लोग दूसरा वीडियो बना करके आपको भेज देंगे। थैंक यू।